यदि यहाँ से गुजरेंगे तो जिसके साथ रिश्ता है तुम, अरे कैसे मामा कहा जा? यदि नानसिया में नहीं तो कैसे नानी कहा जा? उधर देखा जाता है कि कहते हैं अहरनिया आज कितने नोहरानिया आज कितने गुड़निया आज कितने बैगनिया, ऐसा कहीं होता है का? नहीं होता ना। उसको यदि जाएगा नाना का रिश्ता है तो ऐसे कैसे नाना कहा जाते? नानी के रिश्ता है कैसे नानी कहा जा? ऐसा वहां तो नहीं पूछा जाता है कि ततलानिया आज कितने गुड़निया आज कितने बम्भनिया आज कितने का ही ना, ऐसे तो नहीं कहे जाए ना। कहां से आ गए यहां पूछने की जात पात वाली बात? स्वार्थी लोगों का वो है, स्वार्थी लोग किनको खंड खंड रखा जाए, अलग अलग जगह में रखा जाए ताकि हम अब भूकट के खाद फिरक रही है, तब जाके सब लोग देवाला मानते हैं। हम लोग मानते हैं साजा में बड़ा देव, झरिया लोग मानते हैं और धीमरा लोग मानते हैं कहा चुल बढ़ेगा, वो भी मानते हैं चुल बढ़ेगा, देवाला मानते हैं सब, सब लोग भी मानते हैं देवाला, तेली लोग भी मानते हैं, धोबी लोग भी मानते हैं देवाला, जितने भी ये सब मानते हैं, और जो देवाला मानता है वो सब हमारे गौड़ी संस्कृति के मानते हैं। एक बात घटना और बता दूं मैं, सहपुरा में मुहे 5-6 जन ब्राह्मण फंसा लें एसटीडी की दुकान में, मैं गए फोटो कॉपी करा लगा कहा, अरे आज प्रेम से कहा बची ना सहपुरा के, अरे कहा अच्छा अभी लगा था देखे देखा अच्छा कौन माना मारे का, मैं सबका जारी कह दुआ रहा हूँ, मैं आदमी आऊंगा, मैं आदमी आऊंगा, अरे यार गोड़ माना मारे कहाँ है कि मतलब ये सब ठीक है लेकिन राम नाम छुड़वाते हैं और रामायण को जलवाते हैं, मैं कहूँ कहाँ जला है ते देखे हंस की सुने है? नहीं मतलब हम तो जैसा सुने देखे हैं इसका सोने हो कि देखो बताओ कहाँ जला है? अरे ये पल की धोड़ा साइड कहाँ यहाँ गाँव के नाम है, ये पल की धोड़ा साइड कहाँ, मैं कहूँ जो जलाया होगा उसको हमारे सामने लाओ, हम FIR करवाएंगे और जो सजा दिलवाना है हम दिलवाएंगे, जो सजा होती है उसको लाओ दिलाने वाले, नहीं मतलब ऐसा सुने तो बता रहे। मैं कहूँ सुनो रामायण कितने में आता है? 500 रुपया से और 5,000-10,000 जिल्द के अनुसार साइज के अनुसार। अब हमारा आदमी गरीब आदमी है, 500 के रामायण खरीद के कौन आदमी जले? दिमाग तो लगाओ मैं कहता हूँ, कौन आदमी जले? जितने भी साहित्य है पुस्तक है वो पढ़ने के लिए बने, अब उसमें से क्या अच्छा है क्या गलत है वो निष्कर्ष चिंतन करना हमारा काम है। मैंने कहा हम सही बात कहा, यदि बताते हैं लोगों को तो कौन सा गलत करते हैं? तो बोले कैसे? मैं कहा सुनो ये सहपुरा क्यों कहते हैं जहाँ हम खड़े हैं? तो कहते हैं नाम है सहपुरा। मैं कहा ऐसा थोड़ी हो जाएगा सहपुरा, ऐसे अजरा पद कुछ ना कुछ इसके पीछे महत्व होगा दर्शन होगा तब तो सहपुरा कहते हैं। मैंने कहा ये जो दिख दिख रहा है क्या कहते हैं इसको? शारदा टेकरी। मैंने कहा ये भी भूल है, मैंने कहा ये दिख दिख ऊपर है ये टेकरी कहते हैं। मैं कहा सहपुरा को सुनो यहाँ पर जो है अजमेर शाह विजय शाह जो ठाकुर थे जो मरकाम थे ये मरकाम थे, अब हमारे जो नाना हटा जो मरकाम आए थे वहां पर जाए फिर गेहूं दें तो वहां से मिलता उसकी लीला में ठाकुर जो नहीं जाने सर नहीं बिसर नहीं ना ठगा गए तो ठाकुर हो गए तहन जो नहीं मरकाम है जो शाह लिखते थे तो जब ये आकर के यहाँ पर बसे तो शाह लिखते थे इसलिए उसका नाम सहपुरा हो गया, इसके पहले इसका नाम था औंधा नगरी। मैंने कहा औंधा नगरी था तब कहाँ था? जहाँ पार्शनाथ 1,000 से 3,000 पार्शनाथ मंदिर जहाँ बना है वहाँ 12 मढ़िया था, इमली के पेड़ के नीचे एक सीरिया था वहाँ हमारे मढ़िया हुआ करता था और वहाँ अंधेर नगरी इसको कहते थे सहपुरा अंधेर नगरी था। जो टेकरी दिख रहा है ये सिहारगढ़ है और सियानस कहा आया सिहारगढ़ तो कहा यार पहले ये सिहारगढ़ है और जो बाकी है ये बांकागढ़ का बच गया बाकी कहते हैं लेकिन ये बांकागढ़ है सिहारगढ़ और बांकागढ़ सही मालूम होगा गढ़ रहा है और जो रनगांव कहते हैं यहाँ पर सेना दो सेनाओं में रन भट्ट हुए थे इसलिए इसको क्या कहते हैं रनगांव कहते हैं। संग्रामपुर राजा संग्राम शाह के नाम से संग्रामपुर है। पिपराड़ी पीपर का पेड़ था पिपराड़ी कहते हैं। गोरैया यहाँ गोरैया पार्क है वहाँ भवी दिल्ली गढ़ था रोड के किनारे कुरलू का पेड़ था इसलिए उसको गोरैया पार्क कहते हैं। मैंने कहा चरगांव यहाँ चार के पेड़ थे चरगांव कहते हैं। बिलगांव मैंने कहा बेल के पेड़ रहते इसलिए बिलगांव कहते हैं। अमखेड़ा यहाँ आम का पेड़ था तो अमखेड़ा कहते हैं। यहाँ पर महुरा वहाँ महुआ के पेड़ थे ज्यादा इस क्षेत्र में इसलिए महुआरा माने महुरा। बिजोरी पीजा का पेड़ था तो बिजोरी कहते हैं। इसके बाद में मैं देख टिकरिया मैंने कहा टेकरी पड़ता इसलिए टिकरिया कहते हैं। पूरा बताया आसपास कहते हैं ये इतिहास आपको कहीं पर मिल जाएगा लिखा हुआ क्या मतलब तुम्हार दादा लिखे कि मोर दादा तो मिलते मैं जो सही बता था तुझे लिख के हम ही दे दे मैं कहा कहीं खत्म मैं तुम्हें लिख के दे दूं तुम अपने होशियारी के मारे हमने लिखा करके तुम बताइए हम क्या मैं कहता हूँ तुम भी गौड़ी धर्म मानते हो कहता है हम नहीं मानते गौड़ी धर्म
सिद्ध कर दू तुम अब सिद्ध करो कहा मैं कौन तुम अपने नानी के देखे हा अपने आजिन का देखे हा आपके बीच में अच्छा ना लगो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आप सभी से